हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको भारत का मिनी इजराइल कहे जाने वाले हिल स्टेशन कसोल ले जाने वाले हैं और देने वाले हैं इस बेहद खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में पूरी जानकारी। इस वीडियो में हम जानेंगे कसोल कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कसोल और इसके आसपास के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन कौन कौन से हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं, बेस्ट टाइम क्या रहेगा कसोल घूमने के लिए, इसके अलावा कसोल में ठहरने से लेकर खाने पीने के बारे में सब कुछ। तो अगर आप कसोल, मनाली या इसके आसपास की जगहों पर ट्रेवल करने जा रहे हैं तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो में कसोल को लेकर आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ट्रेवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। दोस्तों, कसोल हिमाचल में कुल्लू से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर पार्वती वैली में स्थित एक सुंदर टूरिस्ट स्पॉट है। हालांकि कसोल अपने विदेशी टूरिस्टों यानी इजरायली टूरिस्टों के लिए काफी फेमस है। यहां लोकल से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट यानी इजरायली टूरिस्ट आते हैं, जिस कारण इस जगह को मिनी इजराइल भी कहा जाता है। यहां होटल, कैफे, बुक शॉप और अन्य जगहों पर बड़ी संख्या में इजरायली टूरिस्ट देखे जा सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में यह जगह ट्रैकर्स, बैकपैकर्स और नेचर लवर्स के बीच काफी फेमस हो रहा है, जिस कारण अब यहां काफी संख्या में हर तरह के टूरिस्ट आने लगे हैं। कसोल धार्मिक शहर मणिकरण साहिब गुरुद्वारा के नजदीक स्थित है। कसोल पहले टूरिस्टों के बीच ज्यादा फेमस नहीं था, लेकिन अब यह छोटा सा हिल स्टेशन भी एडवेंचर्स और ट्रैकिंग लवर्स लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है। कसोल मनाली की तरह फैमिली टूरिस्ट डेस्टिनेशन से हटकर थोड़ा अलग है। यहाँ यूथ जनरेशन ज्यादा आती है। हालांकि कसोल बाकी हिल स्टेशनों की तरह ज्यादा फेमस नहीं है, जिस कारण आपको यहाँ टूरिस्टों की भीड़भाड़ भी काफी कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा कसोल यहाँ पर होने वाली तरह तरह की स्मोकिंग पार्टीज और नाइट पार्टीज के लिए भी काफी फेमस है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कसोल कैसे पहुँचे। तो कसोल पहुँचने के आपके पास 2 इजी ऑप्शन हैं। पहला है बाई रोड और दूसरा है बाई एरोप्लेन। पहले बात करते हैं बाई रोड बस द्वारा। कसोल जाने के लिए हिमाचल टूरिस्ट की वोल्वो बसों के साथ साथ प्राइवेट लग्जरी बसें भी दिल्ली NCR और चंडीगढ़ से रेगुलर चलती हैं, जो शाम को 6 बजे दिल्ली से चलती हैं और भुंतर सुबह 5 या 6 बजे पहुंच जाती हैं। पूरी जर्नी 11 से 12 घंटों की होती है। भुंतर पहुंचकर आप कसोल तक 30 किलोमीटर की इस दूरी को प्राइवेट टैक्सी द्वारा पूरी कर सकते हैं। अगर किराए की बात करें तो दिल्ली से भुंतर तक 1200 रुपये से लेकर 1600 रुपये के बीच में एक व्यक्ति की टिकट मिल जाती है। इसके अलावा हिमाचल रोडवेज की साधारण बसें भी दिल्ली से चलती हैं, जिनका किराया 700 से 800 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। यहां आप ऑफलाइन टिकट ISBT कश्मीरी गेट, मजनू का टीला और RK आश्रम मेट्रो स्टेशन पहुंचकर बुक कर सकते हैं। यहीं से भुंतर व मनाली के लिए बसें चलती हैं। वहीं बात करें अपनी पर्सनल कार या टैक्सी द्वारा, तो दिल्ली से कसोल की दूरी लगभग 520 किलोमीटर है और इसमें समय लगता है लगभग 13 से 14 घंटे। कसोल कुल्लू से 40 किलोमीटर और भुंतर से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। कसोल दिल्ली से मनाली जाने वाले रूट पर ही मनाली से लगभग 75 किलोमीटर पहले पड़ता है, इसलिए आप या तो खुद अपनी पर्सनल कार से ड्राइव करके या फिर प्राइवेट टैक्सी हायर करके कसोल जा सकते हैं। अगर आपको ड्राइव करना पसंद है और अपनी ट्रिप में थोड़ा एडवेंचर भी चाहते हैं तो कार आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इतना लंबा ड्राइव करके नहीं जाना चाहते हैं तो आपके लिए वोल्वो बस या प्राइवेट टैक्सी अच्छा विकल्प होगा। और अगर आप फ्लाइट द्वारा कसोल जाना चाहते हैं तो कसोल का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट भुंतर एयरपोर्ट है, जहां से आप टैक्सी द्वारा कसोल पहुंच सकते हैं। और वहीं ट्रेन द्वारा पहुंचने के लिए कसोल का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन 125 किलोमीटर दूर जोगिंदर नगर है। कसोल का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काफ़ी दूर होने के कारण यहां टूरिस्ट अपनी पर्सनल कार या फिर वोल्वो बस द्वारा ही आना प्रेफर करते हैं। दोस्तों, बात करें कसोल में ठहरने की, तो कसोल में आपको बजट होटल से लेकर लग्जरी होटल्स और रिजोर्ट तक मिल जाएंगे, जिनकी कीमत लगभग 1500 रुपये से शुरू होकर 7 से 8000 रुपये तक आपको अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग देखने को मिलती है। आप अपने बजट के अनुसार होटल का चुनाव कर सकते हैं। सबसे अच्छे विकल्प आपको इंटरनेट या ट्रेवल ऐप के थ्रू मिल जाएंगे, वहां से आप बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कसोल के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन विजिट करने की। तो छोटी सी जगह कसोल कई मायनों में अलग है। मनाली के नज़दीक होने के चलते आप मनाली टूर के दौरान भी कसोल विजिट कर सकते हैं और मनाली के आसपास के कुछ कॉमन और फेमस टूरिस्ट प्लेसेस पर भी घूमने जा सकते हैं। कसोल में मौजूद पार्वती नदी इस जगह को बेहद खूबसूरत बनाती है। शिमला या मनाली के मुकाबले यह छोटी सी जगह है और यहाँ नेचर के अधिक करीब खुद को महसूस किया जा सकता है।
कसोल में कई फेमस और खूबसूरत कैफेज भी हैं, जहां आप विजिट कर सकते हैं। कसोल में घूमने के लिए भी काफी जगह हैं। आइए एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। नंबर वन, खीरगंगा। खीरगंगा पार्वती घाटी के नजदीक स्थित एक मोस्ट फेमस ट्रैकिंग रूट है। यह पार्वती घाटी के एक छोर पर स्थित है, जहां आपको सामान्य से अधिक हरियाली वाले पहाड़ और पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। गर्म झरनों, अधिक हरियाली से ट्रैकिंग तक, खीरगंगा में बहुत कुछ है देखने के लिए। खीरगंगा ट्रैक को कसोल के सबसे आसान ट्रैकों में गिना जाता है। ट्रैकिंग और एडवेंचर्स लवर्स लोगों के लिए सबसे अच्छी जगह है। नंबर टू, मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। कसोल से 4 किलोमीटर दूर मणिकरण साहिब एक फेमस गुरुद्वारा है, जो कि सिखों और हिंदुओं का पवित्र धार्मिक स्थल है। यहां बड़ी संख्या में मंदिर, गुरुद्वारा मणिकरण साहिब और गर्म पानी के झरने तीर्थयात्रियों को अट्रैक्ट करते हैं। यह स्थान अपने गर्म पानी के झरनों और वैली के खूबसूरत व्यूज के लिए फेमस है। गुरुद्वारे के आकर्षण और घाटी के शानदार दृश्य ने मणिकरण साहिब को कसोल में जाने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक बना दिया है। नंबर थ्री, तोस विलेज। तोस विलेज पार्वती वैली के दूर के एक छोर पर स्थित है। ट्रैकिंग लवर्स के लिए यह जगह एकदम सही है। टूरिस्ट कसोल और खीरगंगा से ट्रैकिंग करते हुए यहां पहुंचते हैं। ट्रैकिंग करते वक्त आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने और बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां भी देखने को मिलती हैं। एक्चुअली यह जगह अपनी लोकल नाइट पार्टीज और स्मोकिंग की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस है। अगर आपको पार्टी करना पसंद है तो आपको तोस विलेज जरूर विजिट करना चाहिए। नंबर फोर, पुलगा विलेज। पुलगा पार्वती वैली में कसोल से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ छोटा सा गांव है, जो अपने शांत वातावरण और एकांत के लिए जाना जाता है। यहां ना तो टूरिस्टों की ज्यादा भीड़ भाड़ है और ना ही कोई शोर शराबा। यहां तक कोई गाड़ी नहीं जा सकती, यहां पहुंचने के लिए ट्रैक करके ही जाना होता है। नंबर फाइव, मलाना। कसोल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मलाना गांव अपनी अलग संस्कृति के लिए फेमस है। हिमाचल का सबसे पॉपुलर ट्रैक शायद मलाना गांव ट्रैक है। इसके अलावा यहां की नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए आप यहां विजिट कर सकते हैं। इन सब के अलावा भी कसोल से बाहर 76 किलोमीटर दूर मनाली भी घूमने जा सकते हैं, या मनाली टूर के दौरान आते या जाते समय कसोल को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें कसोल विजिट करने के सबसे अच्छे समय के बारे में, तो कसोल का मौसम साल भर अच्छा ही रहता है और आप साल में किसी भी समय यहां विजिट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको स्नो पसंद है तो आप विंटर्स में नवंबर दिसंबर से फरवरी के बीच यहां आ सकते हैं, और गर्मियों के सीजन में यहां की ग्रीनरी और नेचुरल एनवायरनमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं तो मार्च से जुलाई के बीच यहां विजिट कर सकते हैं। बात करें कसोल में खाने पीने की, तो कसोल में कई सारे इजरायली रेस्टोरेंट्स हैं, जहां आप इजरायली खाने को टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही यहां आप उत्तर भारतीय भोजन के साथ साथ लोकल हिमाचली खाने का भी मजा ले सकते हैं। और बात करें खाने की कॉस्ट की, तो एक थाली की नॉर्मल रेंज आपको 200 से 250 रुपये यहां देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कसोल के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा आपका कसोल ट्रिप को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।